बहुत सारिआं नूं भारत दे पौड़ी फरौडीए नौटंकीबाज प्रधानमंत्री मोदी की उस स्पीच याद होएगी जिहड़ी उन्हें एकदम बाद जिहड़ी बेशक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सी और दुनिया के लीडरां नूं जिहड़ा है वो एड्रेस करदे आ कही सी कि भी हमने COVID-19 पे फतह हासिल कर ली, जीत लिया है। ये दो कंपोनेंट ने इस स्पीच दे, पहला तो ये कि जी असी जित गए और उस तो बाद सेकंड वेव ने किवें 7-8 लाख लोग दिल्ली दे विच की होया, गंगा जमुना दरियावां दे कंडे हजारां लाशां और किवें मौत दंद नांदी फिरी, उन्हें साबित कर दिता किड्डा वड्डा झूठ और किस लैवल दे लोक अपने लोगों नू ये प्रभाव देने की कोशिश की थी कि ये जड़ी सारी रिसर्च करके वैक्सीन कढ़ी है ये भारत ने कढ़ी है। हालां जदी जड़ी उदे च भारत का ना कोई साइंसदान इनवॉल्व ना कोई उन्होंने रिसर्चर इनवॉल्व, फिर इन्होंने ये प्रभाव देने की कोशिश की कि देखो असी दुनिया नू ये वैक्सीन दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। हुण हाल ये है कि भाई खुद उन्होंने इत्थे जिहड़ा फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर आके 4-5 दिन बैठा रहा वाशिंगटन दूसरे भी लोड़वंद नूं, सो मतलब हाल ये होया भी उत्थे दावे झूठे। 3 दिन पहला उन्होंने दावा किया जी भारत में टीकाकरण अमेरिका से भी ज़्यादा हो गया, हालांकि हुण आ रहा कि भाई वो खाली सिरिंज ही उहदे च मारी जांदे ने, है ही नहीं वैक्सीन उन्होंने को। धान जिहड़ा बिल्कुल इन्हां दी उन्होंने प्रोटेक्टोरेट स्टेट अपनी बनाई हुई है, उन्होंने चुकन नहीं दिंदे और भूटान वालिया ने चीकां मारियां कि भाई तुसीं पहला डोज भेजिया जे दूजा नहीं मिलता तो इफेक्टिवनेस नहीं है, जो हिट बाई इंडियाज वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन भूटान सीक्स हैल्प, भूटान चीकां मारदा रहा। और हुण पिछले हफ्ते ही जिहड़ा यूरोपियन यूनियन ने कहा भी असीं भूटान नूं इन्ने डोजेज देंगे कोई शायद अमरीका भी दे, सो उत्थे उन्हां दा इह जलूस निकलिया। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि सारी दुनिया नूं COVID-19 दी वैक्सीन देण दा दावा करन वाले भारत देश नूं अजकल काफ़ी नमोशी दा जिहड़ा सामना उह करना पै रहा है। सो यूरोपीयन यूनियन ने भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड अते कोवैक्सीन नूं मानता देण तों ना कर दित्ती है। दूसरे पासे ब्राज़ील ने भारत तों कोवैक्सीन मंगवाउण लई कीती $324 मिलियन दी डील सस्पेंड कर दित्ती है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असी चाहवांगे कि तुसी सानूं इसी तरह ही जुड़े रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने? देखो बहुत सारिआं नूं भारत दे गपौड़ी फरौडीए नौटंकीबाज प्रधानमंत्री मोदी दी उस स्पीच याद होएगी जिहड़ी उन्हें एकदम बाद जिहड़ी बेशक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सी और दुनिया दे लीडरां नूं जिहड़ा है वो एड्रेस करदिआं कही सी कि भी हमने COVID-19 पे फतह हासिल कर ली है, जीत लिया है, फिर इत्थे नहीं रुकिया। और यही नहीं, भारत ने दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा दी, वैक्सीन दी। ये हमारा जो सर्वे भवंतु निरम्या सर्वे संतु निरामया उसका उपदेश, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, उसके लिए हमने मैत्री वैक्सीन दी। हुण इहदे दो कंपोनेंट ने इस स्पीच दे, पहला तो ये कि जी असी जित गए और उस तो बाद सैकंड वेव ने किवें 7-8 लाख लोग दिल्ली दे विच की होया, गंगा जमुना दरियावां दे कंडे हजारां लाशां और किवें मौत दंद नांदी फिरी, उन्हें साबित कर दिता कि किड्डा वड्डा झूठ और किस लैवल दे लोक ने। हुण जिहड़ी इन्हां ने दावा किया कि जी असी पहला तो इन्हां ने अपने लोगों नूं दो फेस रखे, अपने लोगों नूं ये प्रभाव देने की कोशिश की कि ये जिहड़ी सारी रिसर्च करके वैक्सीन कढ़ी है ये भारत ने कढ़ी है। हालां जदी जिहड़ी उहदे च भारत का ना कोई साइंसदान इनवॉल्व ना कोई उन्होंने रिसर्चर इनवॉल्व, क्योंकि शुरू तो ही उत्थे सीरम इंस्टीट्यूट्स जिहड़ियां ने वो भारत दे विच रहियां, जिहड़ियां पहलां भी वैक्सीनस ने उत्थे बनदियां ने अंग्रेज़ां दे जमाने तो, जदों ब्रिटिश रूल सी ईवन इंडिया च कसौली हिमाचल दे विच है उत्थे बनदा सी ये सारियां वैक्सीन जिहड़ियां भी
निकलदियां गईं और बाद दे विच सारियां जिहड़ियां बच्चियां दियां ने डीपीटी और दूसरे तीसरे उन्हां सारियां दे रैबीज लई कुत्ते दा कट्टिया ये वो सारियां वैक्सीनस क्योंकि उही तैयार हुंदियां सी। हुण इत्थे भी इहदे बावजूद के रिसर्चिज इत्थे हुई हैं लेकिन उन्होंने प्रभाव देने की कोशिश की कि जी असी वैक्सीन लभ ली साड्या ने बाद च वो भी उन्होंने जिहड़ा है वो जिन्होंने कहिंदे ने एग ऑन द फेस मिलिया कि एडा वड्डा झूठ। फिर इन्होंने ये प्रभाव देने की कोशिश की कि देखो असी दुनिया नू ये वैक्सीन दे रहे मुफ्त दे रहे असी फलानी थां पहुँचाती फलानी थां ढिमकी करती दूजी। हुण हाल ये है कि भाई खुद उन्हां दा इत्थे जिहड़ा फॉरन मिनिस्टर जयशंकर आके चार दिन पाँच दिन बैठा रहा वाशिंगटन तरले करके मिन्नत करके जिहड़े हिंदू ओरिजन दे कांग्रेसमैन ने कांग्रेस हुण दो दिन पहला एक जिहड़ा वो बिल लिआंदा इन्हां ने कि जी बहुत फॉरन जिहड़े अमरीकन डोज ने वाधू वो भारत नूं दित्ते जाण। हालां अमरीका ने बैलेंस रख्या उन्होंने बंगलादेश नूं भी दित्ते ने दूसरे भी लोड़वंद नूं। सो मतलब हाल ये होया भी उत्थे दावे झूठे तीन दिन पहला उन्होंने दावा किया जी भारत में टीकाकरण अमेरिका से भी ज़्यादा हो गया। हालांकि हुण आ रहा कि भाई वो खाली सिरिंज ही उहदे च मारी जांदे ने है ही नहीं वैक्सीन उन्होंने को और दावे तुसी कर रहे ने जिन्ना मर्जी झूठ बोलो। ईवन भूटान हुण तुसी देखो भी भूटान जिहड़ा बिल्कुल इन्हां दी उन्होंने प्रोटेक्टोरेट स्टेट अपनी बनाई हुई है उन्होंने चुकन नहीं दिंदे और भूटान वाले ने चीकां मारियां कि भाई तुसी पहला डोज भेजिया जे दूजा नहीं मिलता तो इफेक्टिवनेस नहीं है जो हिट बाई इंडियाज वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन भूटान सीक्स हैल्प। भूटान चीकां मारदा रहा और हुण पिछले हफ्ते ही जिहड़ा यूरोपियन यूनियन ने कहा भी असी भूटान नूं इन्ने डोजेस देंगे कोई शायद अमरीका भी दे तो उत्थे उन्हां दा ये जलूस निकलिया। फिर इन्हां नूं लग्या कि देखो जी असी तां मनी बना जनरेट कर रहे पहला साउथ अफ्रीका नाल डील की उन्होंने पहला ही पैक खोलिया तो उन्होंने कहा कि भी नहीं नहीं ये उहदे रिएक्शन सामने आया उन्होंने उत्थे ही बंद करता उन्होंने उदा ही बक्से जिहड़े ने वापस भेज दिते। हुण ब्राज़ील जिहड़ा एक करप्ट मुल्क जिथे भी करप्शन भारतीयों का ही दोवें भरावां वांग और किवें इन्हां ने ये डील बनाई ब्राज़ील का जिहदे च खुद प्रेजिडेंट ब्राज़ील का इनवॉल्व है इस करप्ट डील दे विच कि भाई असी जिहड़ा 324 मिलियन डॉलर दे जिहड़ी है इंडिया मेड कोवैक्सीन वो असी एक्सपोर्ट करांगे। डील हो गई फाइनल सामने हुण ये जिहड़ी 324 मिलियन डॉलर की डील बनाई उहदे च एक वैक्सीन की जिहड़ी डोज है वह 15 to $20 मतलब हुण ये तुसी अंदाज़ा लाओ भी उहदी कॉस्ट खुद मुफ्त लै रहे हैं हुण अमेरिका ने मुफ्त दिता और जे तुसी करना है एक रीजनेबल पर क्योंकि जो करप्शन इनवॉल्व है जिवें हथियारों की डील के वेले कमीशन इस तरह ही दिते जाते हैं ना और जो उन्होंने रफेल के मामले च अपने यार जिहड़ा उन्हूं अडानी नूं रजाया किवें जिहड़ा 10 गुणा ज़्यादा कीमत दे के जिहड़ी प्रीवियस मनमोहन सिंह सरकार वेले की डील सी हुण इत्थे डील बना ली जिहड़ी 324 मिलियन डॉलर की कमीशन वो ब्राज़ील के प्रेजिडेंट नूं भी और विचों भी ये स्कैंडल बाहर आ गया और खबर है कि भाई उन्होंने जिहड़ा भारत बायोटैक इस नूं बनांदा है और ये इन्ना करौड़ा ब्राज़ील च भी पै गया कि 324 मिलियन डॉलर की जिहड़ी इंडिया मेड कोवैक्सीन की प्रोक्योरमेंट है उन्हों उन्होंने सस्पेंड कर दिता है। ये जीवन उन्होंने ब्राज़ील का प्रेजिडेंट जेयर बोलसेनोरियो उदा भी नाम वजदा है करप्शन दे विच और ये आया कि डील इनवॉल्विंग प्रोक्योरमेंट ऑफ 20 मिलियन कोवैक्सीन डोजेस 2 करोड़ डोज जाने से डील 324 मिलियन की सी केम अंडर ए क्लाउड आफ्टर एक्विजेशंस ऑफ हाई प्राइसिंग $15 to $20 पर डोज हेस्टी टॉक्स एंड पेंडिंग रेगुलेटरी क्लीयरेंस फॉर द वैक्सीन। वैक्सीन तो अजे क्लीयर ही नहीं हुई कि भाई उसकी इफेक्टिवनेस की है और इन्होंने डील क्योंकि करप्ट करप्ट नूं जानदा उन्हें कहा तू भी खा मैं भी खावा और उन्होंने जिहड़ा हुण भारत बायोटैक जिहड़ी बना रही है वो कह रहे ने जी असी जिहड़ी है वो कोई एडवांस पेमेंट नहीं ली असी पूरियां ड्यू प्रोसैस कीतियां और ब्राज़ील की हैल्थ मिनिस्ट्री भी जिहड़ा उन्हां दा ऑडिटर ने उन्होंने भी अगों जिहड़ा है कहा कि भाई असी इहनूं सारे नूं देखांगे कि भाई ये की है। सो उहदे थले ये तो एक एक्सपोजर होया कि भाई इन्हां दी कोवैक्सीन किन्ना वड्डा फ्रॉड और की करप्शन इनवॉल्व है ब्राज़ील ने सस्पेंड किया है पर इस तो भी वड्डा जिहड़ा इन्हां दे एग ऑन द फेस है यूरोपियन यूनियन। हुण यूरोपियन यूनियन ने 1 जुलाई तो अपना
कोविड पासपोर्ट जां जिन्हों ग्रीन पास ना दिता गया वो जारी किया, जिदे उन्होंने कहा भी जिन्हों आ वैक्सीन जिदे फाइजर है, एस्ट्रोजेनका है, यूरोप मेड और एक दो जिन्हों ये लगी हैं उही अलाउड होणगे यूरोप के 27 मुल्क ने उन्हां च आण लई। हुण जिहड़ी भारत की कोविशील्ड और कोवैक्स शामिल नहीं है, इहदा मतलब यह है कि जिहड़ा भारत तो आउण वाला है जदों तक वो नहीं लगती वो आ नहीं सकते, क्वारंटीन च जाणगे। दूजा हुण जयशंकर आ के लॉबी कर रहे सी भी साड़ी भी ऐड करो, हुण उन्होंने कहा जी वो तो मतलब तुहाडे वो जिहड़े सारे स्टैंडर्ड मेजर्स ने उन्हां च क्वालीफाई नहीं होया अजे, और हुण उहदे तो इंडिया ने भी जिहड़ा ये दसण दे लई अपनी अखां दिखाण लई उन्होंने कहा जी ठीक है जे तुसीं साडी वैक्सीन नूं नहीं मंनदे फिर असीं यूरोपीन यूनियन दे जिहड़े देश साडियां ये कोविशील्ड और इहनूं मानता नहीं दिंदे कोवैक्सीन नूं उन्हां दे शहरी जे भारत च आणगे तो उन्होंने भी असी क्वारंटीन करांगे। वो निके निके उहदे चों चार पंज मुल्कां ने कहा कोई नहीं असी कर, पर जिहड़े मेन मुल्क ने यूरोपीन यूनियन दे उन्होंने उन्होंने कोई खुल नहीं। और एक खबर इन्हां दी अपनी न्यूज़ एजेंसी की है कि भाई रेसीप्रोकल रेस्ट्रिक्शंस विल बी अपलाइड ऑन यूरोपीन यूनियन कंट्रीज बारिंग इंडियन एंट्री से सोर्सेज। उन्होंने कहा जी जे तुसीं सानूं नहीं आण दोगे असी भी तुहाडे शहरियां ने उत्थे की लैण जाणा है। इहदा सब तो वड्डा इफेक्ट तो हुण यूके च जां यूरोप च किन्ने इंडियन रहिंदे ने उन्हां नूं है, गोरे तो सैर करन जांदे ने उत्थे, सैर करन वाला की कोई बीमारी पहलों डेल्टा वेरियंट पहला इंडियन वेरियंट वो बीमारी लैन थोड़ी जाने, पर यह शो करता है भी किवें एक्सपोज होए ने दुनिया च। और उन्होंने इस खबर के नाल कि भाई जे असी इंडियन वैक्सीन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन इस दे उत्ते नहीं करते और यूरोपीयन यूनियन डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट जिहड़ा उन्होंने कंपलसरी किया, तो जयशंकर ने कहा कि भी असी इस इशू नूं चुके बट इफ दे डोंट हैव वन ऑफ आवर फोर वैक्सीन अप्रूव्ड बाई यूरोपीयन मेडिसन एजेंसी है EMA है जी फाइनल कर दी है दैट इनकलूड द यूरोप मेड एस्ट्राजेनका वैक्सीन बट नॉट द इंडियन मेड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड और भारत बायोटैक्स कोवैक्सीन, क्योंकि उत्थे दो वैक्सीन ने, एक तो उन्होंने जी SII है सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है कोविशील्ड, तो भारत बायोटैक ने बनाई है कोवैक्सीन, ये दोनों ही जड़िया इनू यूरोपीयन यूनियन ने अप्रूव नहीं किया है। उन्होंने कहा भी ये सानू मंजूर नहीं ने और वो कह रहे हैं जी असी भी 27 देशों के उत्ते ये जड़ा जवाबी कार्रवाई करांगे। और हालांकि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भी जड़ी वैक्सीन असी अप्रूव की हुई है, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन सैड दैट कोविड-19 वैक्सीन इट हैज़ ऑथोराइज फॉर एमरजेंसी यूज should be recognized by countries as they open up their borders to inoculate travelers. Unhan ne kaha ji jehdi vaccines Pfizer Bio Nucleotech Moderna AstraZeneca and Johnson and Johnson te WHO ne jehda do jehdi Chinese vaccine ne Sinovac and Sinopharm unnu bhi approve kita hoya. So mainu eh lagda hai bhi European Union jehdi hai oh nikke mote desh paave भारत के प्रैशर थले उन्हों खुश करने दे लई इस नूं दे देन, लेकिन इस सारे चों ये सामने आ गया कि इन्हां दे जिहड़े दावे सी कि भाई असी दुनिया नूं मुफ्त वैक्सीन दे, उन्होंने कहा भी असी तां तुहाडा जिहड़ा ना इहदे चों कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई है और ये असी यूरोप च वाड़ ही नहीं सकते जदों तक ये साडे जिहड़े चार अप्रूवड ने उह तुसीं नहीं लांदे। इहनूं ही अंग्रेजी च कहिंदे ने एग ऑन द फेस कि भाई हुण, क्योंकि ये भी एक प्रोटेस्ट का तरीका भी होंगे, अमरीका च भी एग सुटना या टमाटर सुटना ये कोई ये पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा ही है। हुण तुसीं अंदाजा लाओ भी जदों किसी के मूँह ते आ के अंडा वजदा हालां छिलड़ता उहदा खुल जांदा है तो फिर तुसीं अंडे की मुश्क भी देख लो की हुंदी है तो किवें कपड़ियां ते फैलदा है। सो ये तो सारा मुल्क जिन्हों ये विश्व गुरु कहिंदे सी जी भारत विश्व गुरु बन गया, उन्हां दे तां चार चफेरे उह गां मूत्र और गोहे की मुश्क तो पहला ही सी, हुण ये आंडे दी मुश्क भी जड़ी है ये भारत माता नूं चंबड़ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। स्वतलैंड ब्रेक प्योर तो सारे इसे तरह ही बने रहना, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।